खुद बनाया यस सर। रियली। सर आप हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज किस वीडियो में ना हमारे कला के शिकार हमारे कंप्यूटर वाले सर होने वाले हैं। मैं मेरे कंप्यूटर वाले सर की एक वीडियो बनाऊंगा चुपके से और एक दो फोटो क्लिक करूंगा और घर पे जाके उनकी एक अच्छी सी ड्राइंग बनाऊंगा बिना उनको पता लगे। तो अब जाता हूँ और उनकी एक वीडियो बनाता हूँ और कुछ फ़ोटोज़ खींचता हूँ। तो यार फर्स्ट ट्राई में तो कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया, फ़ोटो अच्छे से नहीं खींची। अब सेकेंड बार ट्राई कर रहा हूँ और इस बार अच्छे से फ़ोटो ले लिया मैंने और वीडियो भी बना ली अच्छे से। उनको पता भी नहीं लग रहा है कि मैं उनकी कुछ वीडियो वगैरह बना रहा हूँ। तो अभी घर पहुँचने के बाद ना मैंने आउटलाइन कर दिया स्केच की, बस अब इसमें मुझे शेडिंग करनी है और उसकी मैं वीडियो बनाऊँगा, थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाऊँगा हर पार्ट की। तो अब आप आगे वो वीडियो में देखो। तो सबसे पहले मैं हेयर शेड कर रहा हूँ। तो यार आप लोग देख सकते हो, देखते ही देखते फेस और आईज़ वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया और काफ़ी हद तक लग भी रहा है और बियर्ड वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो ही गया है। मतलब फेस जो है वो 80% कंप्लीट हो गया है। तो लास्ट में जो है मैं एकदम फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा कैसा बनता है। तो अभी आगे के जो पार्ट बच गए हैं उसको कंप्लीट करते हैं। तो देखते ही देखते जो चेयर है वो भी कंप्लीट हो गई है, मतलब शेडिंग कंप्लीट हो गई और काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है। और अब जो शर्ट बची है, टेबल बची है, बस अब उनमें शेड करना बाकी है। तो यार जो हमारा स्केच है वो फाइनली कंप्लीट हो गया, आप लोग देख सकते हो। तो अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ जो स्केच है वो कैसा लगता है। तो आप देख सकते हो जो रियल इमेज है जो मैंने क्लिक की थी और ये जो इमेज है दोनों काफ़ी हद तक मैच कर रही हैं। तो यार जो हमारा स्केच है वो मैं सर को देने जा रहा हूँ और उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करूँगा क्या रिएक्शन होता है। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अंदर से घबराहट सी हो रही है कि उनको पसंद भी आएगा या नहीं आएगा। वो सब आप लोग आगे की वीडियो में देखो। ये अभी खर्चे में थी और ये बना है। ये बनाया सर, मतलब अगर ये आपने मेरी पिक कर ली सर, इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। और इसमें जो नक्शा है सेम बिल्कुल ऐसा ही है एक्चुअल में। ये आपने खुद बनाया? यस सर। रियली सर आप वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, आपकी बनाते हुए की डालूंगा मैं। सो अमेजिंग, दिस इज वेरी नाइस। मैंने ऐसा टैलेंट है मेरी लाइफ में कभी नहीं देखा, सच में वेरी गुड। जो जिस रिएक्शन में मैं बैठा था मुझे पता है एक्चुअल में कि मैं ऐसी पोजीशन में बैठता हूँ। सर ने हर दिन बना दिया, मतलब ऐसा रिएक्शन दिया था कि मैं सोच भी नहीं सकता था। सर के सामने जाते ही मेरा सारा डर खत्म हो गया जब सर ने ऐसा रिएक्शन दिया। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सर अगर आपकी परमिशन हो तो यूट्यूब पे डाल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल डाल सकते हो आप। सर आपको चाहिए तो ले लो एक पेज। तो लास्ट में सर ने जो पेज है जिसपे मैंने ड्राइंग बनाई थी वो पेज सर ने ले लिया और अपने साथ लेके गए। बट आज का जो सर का रिएक्शन था ना वो कमाल का था। सही में तो ना यार आज से पहले मैं ऐसा मानता था कि जो लड़कियां हैं ना वो ज़्यादा अच्छा रिएक्शन देती हैं जब उनका कुछ स्केच वगैरह बनाओ, बट ऐसा नहीं है कि दोनों इक्वली रिएक्शन देती हैं। तो कुछ फ़र्क नहीं लगा मेरे को दोनों में, दोनों का अच्छा रिएक्शन आता। और हाँ एक लास्ट फाइनल बात, अगर आप किसी इंसान की फ़ोटो या वीडियो क्लिक करके किसी भी सोशल मीडिया पर डालते हो बिना सामने वाले की परमिशन से, तो आपके ऊपर अंडर सेक्शन 67 केस फाइल कर सकता है या कर सकती है। तो हाँ एक बार परमिशन ज़रूर ले लेना यार कि वो सामने वाला कंफर्टेबल है भी कि नहीं। मैंने तो परमिशन लिया ही वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने से पहले, आपने पीछे वीडियो में क्लियरली सुना ही होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है हर वीडियो बनाने में।